छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों कांग्रेस व भाजपा से चुनाव लड़ने वाले दावेदारों ने अपना आवेदन व दावेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कुछ दावेदारों ने अभी से ही अपने स्तर पर समाजों कलाकारों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट की मांग कर रहे प्रसिद्ध गायक कलाकार इकबाल सिंह ओबेराय के समर्थन में छत्तीसगढ़ के कलाकारों व साहित्यकारों के समूह ने उन्हें अपना भरपूर समर्थन देते हुए पत्रकार वार्ता ली। दर्शकों, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही दावेदारों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आवेदन देने तो का सिलसिला जो पूर्व में ही हमने दिखा चुके हैं कि जो आवेदन है जो जा चुके हैं और कांग्रेस से तो जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी दावेदारों की जो है दावेदारी करने के लिए लोग तरह तरह से तैयार हैं। इन्हीं में एक नाम है इकबाल सिंह ओबेराय का। जी हाँ, बताना चाहूँगी इकबाल सिंह ओबेराय म्यूज़िक जगत के एक वो सितारे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इकबाल सिंह ओबेराय का अपना एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा है और क्षेत्र की जनता के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। वैशाली नगर से दावेदारी कर रहे हैं वो, उनका ऐसा मानना है कि वो इस क्षेत्र में रहते हुए अगर उन्हें टिकट मिलती है या उनका चयन किया जाता है टिकट देकर और वो जीत कर विकास कार्यों को तेज करेंगे, ऐसा उनका मानना है। इसे लेकर वो लगातार मीडिया से बने हुए हैं और आज जो है पत्रकार वार्ता, कलाकार जितने भी यहाँ पर शामिल हैं आप देख सकते हैं, कला जगत से जुड़ी सभी विधियाँ यहाँ पर शामिल हैं। इकबाल सिंह ओबेराय सर को प्रमोट कर रही है वो और उन चाहती हैं कि उनका एक ऐसा लीडर, उनका एक ऐसा नेता उभर कर सामने आए जो उनके क्षेत्र में सभी का भला करते हुए उनके लिए भी कुछ करे। सब तो हम सबसे पहले इकबाल सर ओबेराय से आपको मिलाते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भिलाई शहर में कलाकारों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है और छत्तीसगढ़ का गौरव है भिलाई, और मैं यहीं से हूँ, यहीं पला बड़ा जन्मा और मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो पिछले 40 वर्षों से मैंने यहाँ पर याद रफ़ी का कार्यक्रम लगातार कर रहा हूँ जो कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय आयोजन होता है। उसकी वजह से यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक़्त भी मुझे राजनीति से लगाव था, समाज सेवा से लगाव था और मैं 1974 में कल्याण महाविद्यालय में छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना, फिर 1978 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना, फिर 1989 में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि बना। मेरे छोटे भाई हैं यश ओबेराय जो कि यहाँ के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी रहे हैं, वो भी हमारे कल्याण महाविद्यालय में छात्र संघ के सचिव भी बने, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि भी बने। तो सब लोगों से मेरा लगाव है, सब लोग मुझे अच्छी से तरह से पहचानते हैं और इसलिए मुझ पर सब इनका सबका दबाव था कि हमारे कला जगत से कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, हमारा कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है विधानसभा में या लोकसभा में, तो आपको सामने आना चाहिए। तो मैं इन सब लोगों के लिए वजह से सामने आया हूँ और मैं एक सिख समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो सिख समाज को भी पिछली बार भाजपा की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया, तो वो भी एक वजह है। तो उन सब चीज़ों को लेकर और यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी, हमारी वैशाली नगर जो विधानसभा क्षेत्र है ये 2008 में बना, उसके बाद यहाँ पर 3 आम चुनाव हुए और एक उपचुनाव भी हुआ, तो अधिकांश समय यहाँ पर भाजपा ही जीती है, एक बार कांग्रेस भी जीती है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो टाउनशिप में जैसा डेवलपमेंट हुआ है हमारे भिलाई विधानसभा क्षेत्र में, वैसा डेवलपमेंट हमारी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में भी हो। बहुत सारा सलम एरिया भी है यहाँ पर, उनका भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो। बहुत सारे इशू हैं, उन सबको लेकर मैं सामने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो मेरी उम्मीदवारी पर ज़रूर विचार करेगी। हो सकता है कि मुझे टिकट मिल जाए, नहीं भी मिलेगी टिकट तो भी मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। अभी आपने बताया आप एक छात्र नेता भी रहे हैं, नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं, उनके फैन एक तरह के, भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी के लिए आप आगे आए हैं, पार्टी के लिए आपने क्या क्या किया है? मुझे याद है कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, तो उस वक्त बहुत सारे जो विपक्षी दलों के नेता थे उनको मीसा के तहत में जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद में चुनावों को भी टाल दिया गया था, विशेष अध्यादेश लाके। उसके बाद फिर जब चुनाव घोषित हुए तो इमरजेंसी हटी,
तो लोग बहुत डरे हुए थे और लोग सामने नहीं आ रहे थे। कुल विरोध बहुत था, आक्रोश बहुत था इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ में, लेकिन खुल के सामने नहीं आते थे। तो उस वक़्त मैंने यहाँ के युवाओं को इकट्ठा किया और जो जनता पार्टी बनी थी चार पार्टियों को मिलाकर, उसका युवा जनता का मैं मोर्चे का यहाँ पर संयोजक था। और मैंने उस वक़्त जो मोहन भैया प्रत्याशी बने थे लोकसभा के, उनके लिए कमर तोड़ मेहनत की और उनको विजयी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मैंने अदा की थी। जैसा कि आपने बताया, आप विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर से हैं, ये कलाकार भी आपके लिए वहीं के लिए दावेदारी के लिए आग्रह कर रहे हैं लोगों से, आपने अदर दूसरी जगह के लिए मन क्यों नहीं बनाया? वैशाली नगर जो है एक सेंसिटिव क्षेत्र है, हमेशा से भाजपा का गढ़ कहलाया, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, तो आपने यही क्षेत्र क्यों चुना? ऐसा है कि मैं यहीं पर जन्मा हूँ और यहीं पर कुर्सीपारा प्राथमिक स्कूल और कैंप 2 प्राइमरी स्कूल, सेक्टर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पढ़ा हूँ और यहीं पर बचपन पूरा यहीं बीता, घर भी यहीं पर है नेहरू नगर में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भी वैशाली नगर से ही मैं सामने आऊं। अपना आवेदन अपनी मांग के तहत कहां कहां सौंपा है आपने? यहां जो इनका जो जिला भाजपा अध्यक्ष हैं ब्रजेश ब्रजप्रिया जी, मेरे दोस्त हैं, उनके सामने भी मैंने अपना आवेदन दिया। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब जी, उनके सामने भी दिया, और जो संगठन मंत्री हैं पवन साय जी, वो उनके सामने भी दिया, और अजय जामवाल जी हैं क्षेत्रीय संगठन मंत्री, उनके समक्ष भी दिया, डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनके समक्ष भी दिया, सूरज पांडे जी के समक्ष भी दिया, और जो उनके प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के ओम माथुर जी, उनके समक्ष भी दिया, और सह प्रभारी हैं जो मंत्री केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे उनके समक्ष भी दिया, केदार कश्यप हैं उनके पास भी दिया, ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो हैं मेरे समय के छात्र नेता रहे हैं और उनके भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, उनके समक्ष भी दिया। मतलब आपने काफ़ी जगह में आवेदन की प्रक्रिया अपनी पूरी की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी इकबाल सिंह बैरानी की है, और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और कलाकारों को अपने साथ जोड़े रखे हैं। हमारे साथ जो कलाकार हैं दीपांकर दास जी, ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बरन बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जाने माने ड्रम बजाने की कला इनके अंदर में है, वो इकबाल सर की तरफ से ही कुछ अब बात अपनी कहना चाहेंगे, उसे जानना चाहेंगे। सर बताएंगे, इकबाल सिंह ओबेरॉय सर एक म्यूज़िक जगत से जुड़े हुए हैं और उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा से टिकट मांगा है, आपको क्या लगता है? इकबाल सिंह ओबेरॉय को मैं आज मेरे ख्याल से 50 साल से भी ज़्यादा से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ संगीत के माध्यम से, और पिछले 40 साल से भिलाई शहर में अनवरत मोहम्मद रफ़ी के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को इन्होंने आज तक बरकरार रखा, हर साल करते हैं, अनेक आयोजन, अनेक तकलीफ, पैसों की तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ़ों को लेकर के भी इस आयोजन को इन्होंने इस आयोजन से पीछे नहीं हटे, ये इनकी कटिबद्धता का एक प्रतीक है। अगर ये अपने से प्रत्याशी होने का दावा किए हैं तो हमें मालूम है कि इन्होंने अगर जिद कर लिया तो ये जिद करके 40 साल चला दिया और क्या चाहिए किसी को, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं है। और कार्यक्रम जो करता है, कोई भी आयोजन जो करता है, वो कितना अच्छे से आयोजन होगा, कितने अच्छे से उसकी तैयारी हो सकती है, प्लस ये खुद एक गायक भी है, एक आयोजक एक गायक थोड़ा कठिन काम है, लेकिन इन्होंने बखूबी निभाया और निभाया तभी 40 साल पूरे हुए, नहीं तो इतना आसान नहीं था। एक साल एक बर्थडे पार्टी अपने घर में मनाते हैं हम, तो हमको लगता है कि अरे बाप रे, ये छूट गया, वो छूट गया, ये हट गया, वो हट गया, लेकिन ये कभी पीछे नहीं हटे सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इनको निवेदन भी है, सॉरी, भाजपा से हमारा निवेदन है, पार्टी से हमारा अनुरोध है कि इकबाल भैया को एक मौका ज़रूर दें, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये ज़रूर हर फील्ड में खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। तो ये दीपांकर दास जी आला कमान से गुहार लगा रहे हैं कि इकबाल सिंह ओबेरॉय को टिकट दी जाए दावेदारी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, कलाकारों का यहाँ हुजूम लगा हुआ है इकबाल सिंह ओबेरॉय सर को जो दावेदारी के लिए भाजपा से पूरे दल बल से मौजूद हैं, तो कलाकार उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं आला कमान से कि उनको टिकट दी जाए। तो हमारे साथ प्रदीप सर हैं, इनकी कला की क्या बात कहूँ कि जगह जगह छत्तीसगढ़ी फिल्मों हो चाहे कोई भी क्षेत्र में इनकी कला के तूती बोलती है। सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ में। थैंक यू मैडम।
बताएंगे इकबाल सिंह बेरा सर को आप प्रमोट कर रहे हैं, चाह रहे भारतीय जनता पार्टी से कि उनको टिकट दे, मांग कर रहे हैं, ऐसी गुहार लगा रहे हैं आला कमान से, किस तरह की इनसे उम्मीद रखते हैं और किस तरह आपके क्षेत्र में विकास कर लाएंगे वो? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि नेता तो बहुत है बीजेपी में, कांग्रेस में और अदर पार्टीज में, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि दावेदारी इकबाल भाई ने की है बीजेपी से और वो विशाई नगर से। तो हमारे बीच में एक कलाकार भी वो जो कि कलाकारों के सुख दुख में काम है, कलाकारों के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है नेताओं द्वारा। हमारे बीच का कई कलाकार भाई अगर रहता होगा तो वो कलाकारों की समस्या को देखेगा और आवाम की भी समस्या को देखेगा। और जैसे इकबाल भाई हैं, वो जीरो से हीरो बने, जिस समय उन्होंने स्टार्ट किया था मोहम्मद रफ़ी नाइट को, जीरो से इन्होंने हीरो बना दिया। तो आज इतने दर्शक इनके कार्यक्रम में आते हैं, जितने लोग नेहरू हाउस के अंदर रहते उतने ही बाहर होते हैं। तो आवाम के बीच में एक बार इनको चांस मिलना चाहिए, ये मेरे अंदर के कलाकार की। तो एक कलाकार की अंदर की मन की गुहार है कि इनको एक मौका मिलना चाहिए। तो सर, इस वक्त हमारे साथ जो दूसरे कलाकार मौजूद है झांझी सर, इन्होंने भारत भवन में रह चुके हैं, दूसरा और रंगमंच के कैसे कलाकार की 150 से अधिक इन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्मों में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, लोग इनको जानते भी हैं। और ये जो प्रमोट कर रहे हैं इकबाल सिंह उबे राय को, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इकबाल सिंह उबे राय को किस नज़र से देखते हैं और पार्टी आला कमान से क्या मांग करते हैं, सर बताएं। सबसे पहले तो मैं इकबाल सिंह उबे राय जी को, इकबाल भैया को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक सही प्लेटफॉर्म चुना है अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए। वो एक बहुत ही लोकप्रिय कलाकार है और भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम देख ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रही है, तो उन्होंने एक सबसे सही पार्टी चुनी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि दशकों से वो काम जो कर रहे हैं तो रायपुर भिलाई दुर्ग में काफ़ी लोकप्रिय है और बहुत उनकी पकड़ है। आज वो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे। तो मैं आला कमान से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उनके आवेदन पर ज़रूर विचार करें, क्योंकि वैसे भी आला कमान जो है लोकप्रिय कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है। जैसे रायपुर में अभी अनुज शर्मा जी जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उनको भी उन्होंने जो है अभी अपनी सदस्यता दी है और वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही मुझे उम्मीद है कि हमारे लोकप्रिय इकबाल सिंह उबे राय जी को भी जो है भाजपा सरकार की ओर से जो है एक बार अपनी किस्मत आजमाने का अवसर जरूर मिलेगा। अब मुझे लगता है वो बहुत अच्छा करके जाएंगे, क्योंकि जनसेवा की भावना तो उनकी शुरू से, हम तो बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने हमेशा सबके साथ मर्यादित व्यवहार रखा है, मर्यादित जीवन जिया है और जो है लोगों की बहुत हेल्प भी की है उन्होंने, मतलब सोशली भी। ऐसा नहीं कि वो कलाकार हैं। मैं यहाँ पे जो इस वक्त उनके लिए बोलने के लिए हूँ तो वो इसलिए हूँ कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और वो भी एक कलाकार हैं। तो नेचुरली हमें ये लगता है कि हमारे कलाकारों का एक प्रतिनिधित्व जो है अगर सरकार में आएगा तो वो बेहतर कुछ करके जाएगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ, ये शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उनको वो टिकट मिले और वो शासन प्रशासन में आए और हम कलाकारों के लिए कुछ करके जाएं। क्या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप लोगों में जागृति, यानी इस तरह का आप लोग जागरूक हुए हैं कलाकारों के लिए? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उषा बार्ले के निवास स्थान गए थे, वो भी कलाकार ही हैं, सम्मानित हैं, क्या उनको देखते हुए भी आपको लगता है कि जब पार्टी यकीन करेगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि कलाकारों ने विश्व में अपनी, ये उषा बार्ले जी ने भी पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। इकबाल सिंह उबे राय जी जो है वैशाली नगर क्षेत्र से विचार कर रहे हैं, उषा बार्ले जी भी अपने क्षेत्र से विचार कर सकते हैं, क्यों नहीं, कलाकारों को आगे आना चाहिए। और कलाकारों के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आम आदमी जो है सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीता है, पर एक कलाकार जो होता है वो अलग अलग तरह के चरित्र करता है, अलग अलग तरह का जीवन जीता है, तो उसके एक्सपीरियंस अलग तरीके के होते हैं। कलाकारों की श्रेणी में एक हमारे साथ यश उबे राय सर हैं, यश उबे राय भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है कला के क्षेत्र में, उन्होंने भी लोहा मनवाया हुआ है, जानेंगे कि वो इकबाल सिंह उबे राय के पक्ष में आला कमान से क्या गुजारिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, पर ज़्यादातर वोटर जहाँ से ज़्यादा वोट मिल सकें ये संभावनाएं पार्टी देखती है। पर मैं, हमारा ये सोचना है कि सिर्फ वोट ही कहना चाहिए, कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए। रणनीति ये होनी चाहिए कि वो किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। कला के क्षेत्र को इतना ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया, हर पार्टी ने नेगलेक्ट किया है,
और मैं समझता हूँ अभी भिलाई में ललित कला अकादमी खुल रही है जो भाजपा के प्रयासों से खुल रही है। जब भाजपा इस तरीके से इस लेवल पे सोच रही है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि कला के क्षेत्र से कोई व्यक्ति है जिसे राजनीति क्षेत्र में उतारा जाए ताकि पूरी कला समुदाय को उनके साथ में जोड़ा जा सके। तो मैं समझता हूँ इकबाल सिंह ऊपर है पिछले 40 सालों से इस फील्ड के अंदर में काम कर रहे हैं और उन्होंने हर छोटे से छोटे कलाकार को अपना मंच प्रदान किया। ऐसे हजारों लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ से उन्होंने प्रतिभाओं को लाकर मंच प्रदान किया। आज वो अपने शिखर पे चाहिद जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये ऐसा एग्जांपल है और हजारों लोग लाखों लोग उनके दर्शक हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनको बच्चा बच्चा पूरे रायपुर भिलाई दुर्ग में आप जाएं उनके इस याद रफी कार्यक्रम की वजह से बच्चा बच्चा उनको पहचानता है, वो भीड़ भी जुटा सकते हैं लोग और वो बहुत पॉपुलर फेस है क्योंकि वो सिख फैमिली से हैं तो सिख समुदाय भी उनके साथ में खड़ा हुआ है। सिख समुदाय का जो सेवा भाव है वो पूरी दुनिया को मालूम है। तो इकबाल यहाँ मैं नहीं लगता कि वो कला कोई किसी दूसरे पर्पज़ से आए, उनका पर्पज़ भी है कि जो लोगों को की सेवा करना, साथ ही कलाकारों का जो लगातार दोहन हो रहा है वो उनको जो पहचान नहीं मिल पा रही है उस दिशा में वो काम करेंगे मुझे मालूम है। और भिलाई का जो गौरव है कला के क्षेत्र में जो बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है, एक समय था कि सारे लोग भिलाई आते थे। सर क्या लगता है आपको अगर कला के क्षेत्र में ये आगे आप लोग के लिए कुछ कर पाएंगे करेंगे, जैसे मान लो पार्टी इन पर यकीन करके इनको टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है और ये जीत कराते हैं, तो कला के लिए कलाकारों के लिए क्या करेंगे? यकीनन ये बड़ी खुशी की बात होगी कलाकारों के लिए यदि पार्टी उनको टिकट देती है, भाजपा उनको टिकट देती है, उन पर विश्वास जताती है। वो एक पॉपुलर ब्रांड है, पॉपुलर नाम है, बच्चा बच्चा उनको जानता है और क्यों जानता है, कला की वजह से जानता है। तो हर कलाकार कोशिश कर के लिए वो चाहे वो किसी भी स्थिति में उनको मंच प्रदान करना, उसको इंकरेज करना और सब लोगों के लिए पेंशन फिक्स की गई। आप सोचिए कलाकार 60 साल का हो जा रहा है, उसका आय के कोई साधन नहीं है और यहाँ पर कलाकारों को दो तरीके से बांट दिया जा रहा है कि वो क्षेत्रीय है वो बाहरी है। पर हम यकीन करते हैं कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता, किसी जात का नहीं होता, वो पूरे समाज के लिए काम करता है। तो इकबाल सिंह ओबेराय यहाँ से उन्हें टिकट मिलती है निश्चित रूप से जीतेंगे और कलाकारों के लिए वो दमदार तरीके से विधानसभा के अंदर में, पार्टी के अंदर में, ब्यूरोक्रेट के अंदर में दमदार तरीके से आवाज़ उठाएंगे। उनसे कलाकारों का फ़ायदा होने वाला, सिर्फ दुर्ग भिलाई के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को उससे फ़ायदा होने वाला, किसी भी विधा से जुड़े हों, चाहे हमारे साहित्यकार हों, चाहे हमारे फोक आर्टिस्ट हों और गांव से जुड़े हुए जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो छोटी छोटी अपनी कलाओं को बहुत सस्ते दाम पे बेचते हैं, जिनको इंटरनेशनल मार्केट में बड़े हाई प्राइस पे बेचा जाता है, तो उनके लिए भी मंच प्रदान करना, उनके लिए जगह देना, उनके लिए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना, इस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे और इकबाल सिंह डेफिनेटली इस दिशा में काम करेंगे मुझे यकीन है। तो दर्शकों ये थे यश वगैरह सर, चंद कलाकारों के दिल की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं इकबाल सिंह ओबेराय के लिए, भारतीय जनता पार्टी से वैशाली नगर के लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में उतर कर आना चाहते हैं, जीत कर दिखाकर कलाकारों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इनकी मांग पर कैसा रुख इख्तियार करती है, क्या इन पर यकीन कर टिकट देती है और अगर टिकट मिलती भी है तो ये जीतने किस तरह की मशक्कत करेंगे, कलाकारों का साथ रहेगा, सिख समुदाय का साथ रहेगा, ये समय रहते पता चलेगा। मुझे ये जानकर बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय कलाकार गायक कलाकार उषा बार्ले जी के निवास स्थान पर उनसे गए थे, उनको हाल ही में पद्मश्री मिली है। तो मुझे इससे ये लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हाई कमान है, जो उनके शीर्ष नेता हैं, वो कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी भावना है कलाकारों के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भाजपा हाई कमान से ये उम्मीद करता हूँ कि मैं भी एक कलाकार हूँ, क्षेत्र में काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा अपना उम्मीदवार जरूर बनाएगी। तो हमने अभी बात की है कलाकारों से, जी हाँ इकबाल सिंह ओबेराय एक मंझे हुए कलाकार हैं, 40 साल से वे अपनी कला का प्रदर्शन गायकी का लोगों के बीच दिखा रहे हैं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से वैशाली नगर से वो दावेदारी करने के लिए पूरे दलबल से तैयार हैं और वो चाह रहे हैं कि भाजपा आला कमान
हाईकमान उन पर यकीन करे और उनको टिकट दे। यही सब मैटर लेकर के आज कलाकार भी उनके पक्ष में उनके हक में यहाँ पर मौजूद थे, हमसे चर्चा की। तो लगातार हमारे साथ विधानसभा अपडेट के लिए बने रहिए, तब तक नमस्कार।